शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं बहुत खुशनसीब हूँ दिव्या, पहले तुम्हारा प्यार मिला और अब जीवन भर का साथ। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए भाई साहब, बस आप लोगों के आने का इंतजार है। जैसे ही आप यूएस से आएंगे, दिव्या और तनुज की सगाई कर देंगे और फिर शादी। अच्छा भाई साहब, अब आपसे बाद में बात होगी। नमस्ते। तनुज, मुबारक हो तुम्हें। अब तुम्हारी और दिव्या की बचपन की दोस्ती शादी के बंधन में बनने वाली है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मॉम डैड को कॉल किया, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू छोड़ो, गले मिलो मेरे होने वाले जीजा जी। देखना माँ, अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करूँगा ना कि पूरा शहर देख के दंग रह जाएगा। क्या है ये सब? कौन है ये लड़का? लड़का नहीं भैया, रोहित, इस घर का दामाद और मेरा पति। मैं जिस जिम में जाती थी, रोहित उसी जिम में ट्रेनर है। कुछ महीनों पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं जानती थी कि आप सब इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे घर में प्यार और रिश्तों को जात पात और हैसियत के तराजू में तोला जाता है, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब करने से पहले तुम्हें खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? मम्मी, मैंने सिर्फ रोहित और अपने प्यार के बारे में सोचा, क्योंकि इसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं। देखा माँ, मेरी बात ना मानने का नतीजा, बहुत छूट दे रखी थी ना आपने इसे। एक सड़क छाप लड़का जिसके खानदान का आता पता नहीं, उसे हमारे घर लेकर आई आपकी बेटी। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले इस गंदगी को इस घर से बाहर निकालूं। रुक जाइए भैया, इस घर में जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है। मैं जिसके साथ चाहूं इस घर में रह सकती हूं, और रोहित तो मेरा पति है। एक दो कौड़ी के लड़के के लिए तो अपने भाई से जबान चला रही है। कितना जहर भर दिया है तूने मेरी बहन के मन में, तुझे तो मैं। अविनाश, अविनाश रुको, क्या? अविनाश नहीं, नहीं अविनाश, अविनाश ये गलत है, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज कूल डाउन। दिव्या तुम्हारी छोटी बहन है, प्लीज अविनाश, प्लीज। और अविनाश, चलो रोहित, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। रुक जाओ, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम लोग? माना कि तुम दोनों ने गलती की, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हम अपनी बेटी और दामाद को ऐसे ही जाने दें। अब ऐसे ही देखते रहोगे या फिर माँ का आशीर्वाद भी लोगे?
चुप चुप जियो। निशा, आज हमारे बेटी और दामाद की पहली रात है, तैयारी करो और ख्याल रहे कि किसी भी चीज की कमी ना हो। जी मम्मी जी, स्पेशल तैयारी करूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ दिव्या, पहले तुम्हारा प्यार मिला और अब जीवन भर का साथ। दिव्या, आज जिस तरह से तुमने अपनी फैमिली के सामने मुझे सपोर्ट किया ना, मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं अनाथ हूँ। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच दिव्या फॉर एवरीथिंग। मुझे लगा दिव्या होगी। आई एम सॉरी भाभी। अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है जमाई बाबू, कम से कम आप हमारे करीब तो आए। वो क्या है ना, बहुत दिनों बाद दुल्हन की चुन्नी देखी तो बस सर पे ओढ़ लिया, पुरानी यादें ताजा हो गई। लो आ गई आपकी दुल्हन जमाई बाबू। वैसे दिव्या, खास ख्याल रखना हमारे जमाई बाबू का, काफी शर्मीले मिजाज के लगते हैं। वैसे जमाई बाबू काफी मजबूत पकड़ है आपकी। रोहित इस घर का दामाद और मेरा पति। इस घर में जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है। मैं जिसके साथ चाहूं इस घर में रह सकती हूं, और रोहित तो मेरा पति है। आपकी बहन की पहली रात है, अगर हमसे पहले वो प्रेग्नेंट हो गई तो बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी, इसलिए तैयारी के साथ आई। मेरे सर पे खून सवार है और तुम्हें बच्चा पैदा करने की पड़ी है। दिव्या की पहली रात को खूनी रात मैं बनाऊंगा। जो करना है करो, लेकिन इस घर को मां बनने की पहली सुख मैं ही देकर रहूंगी। भगवान का शुक्र है कि गोली सिर्फ छूकर निकली है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है। वैसे हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। घाव छोटा हो या बड़ा हो मम्मी, मेरे पति को गोली लगी है।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भैया इस हद तक गिर जाएंगे कि खून खराबे पर आ जाएंगे। अगर आज रोहित को कुछ हो जाता ना तो मैं भूल जाती कि आप मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन बेटा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि गोली अविनाश ने चलाई है? तो और कौन हो सकता है मम्मी, एक यही तो है इस घर में जिन्हें रोहित से नफरत है। गोली इन्होंने ही चलाई है। हाँ चलाई है, और अभी तो सिर्फ गोली इसको छू के निकली है। अगली बार मौका मिला तो सारी की सारी गोलियां इसके अंदर डाल दूंगा। रोहित तुम चलो मेरे साथ। पर कहाँ दिव्या? पुलिस स्टेशन, अविनाश भैया के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए। अब मैं और चुप नहीं बैठूंगी, तुम चलो मेरे साथ। हम अविनाश को समझाएंगे ना। ऐसा मत करो, पुलिस स्टेशन मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे। मम्मी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही दिव्या, अविनाश बड़े भैया है तुम्हारे, अब इस बात को यहीं खत्म कर दो यार प्लीज। हाँ दिव्या मम्मी जी सही कह रही है, मम्मी जी अविनाश को समझा देंगे। फिलहाल जमाई बाबू को आराम की जरूरत है, तुम दोनों कमरे में जाओ। जल्द हो जाएगा, कुछ बड़ा करने वाला हूँ, बहुत मोटी रकम मिलेगी। ठीक है लीजिए जमाई बाबू, आपके पसंद का ही सब कुछ बनाया है, लेकिन बदले में नेग लूंगी। पर आपको कैसे पता चला कि मुझे ये सब पसंद है? मैंने सुबह ही दिव्या से सब कुछ पता कर लिया था आपके बारे में। बेटा कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम फिर से माफी। अरे नहीं आंटी जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। लेकिन बेटा गलती तो हुई है हमारे बेटे से, और हम वादा करते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। एक और बात, अब से तुम अनाथ नहीं हो, ये घर तुम्हारा परिवार है, इसीलिए अब से तुम हमें आंटी नहीं मम्मी कहा करोगे, माए तुम्हारी। चलिए अब खाना खा ले, वरना जमाई बाबू को ठंडा खाना खाना पड़ेगा। हाँ चलो बैठो बेटा। रोहित ना, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे साथ बैठकर खाना खाने की। हाँ बैठकर खाओ। विनाश ये क्या बदतमीजी है, घर के दामाद के साथ कोई ऐसी घटिया हरकत करता है क्या? अविनाश दिव्या एकदम बेवकूफ पति है मेरा, खुद तो कुछ करता है नहीं और इतने हैंडसम और हीरे जैसे लड़की की बेइज्जती करती। पर हीरे की पहचान तो जौहरी ही जानता है, और वो जौहरी मैं हूँ जमाई बाबू। अच्छा होता अगर कल रात को ही भैया के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर देती, कुछ दिन पुलिस स्टेशन में रहते ना तो कम से कम आज तुम्हारे साथ ऐसी गिरी हुई हरकत तो नहीं करते। दिव्या प्लीज शांत हो जाओ, अविनाश भैया ने अभी तक हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया है, वो नाराज है हमसे। लेकिन दिव्या मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो भी मुझे गले से लगा लेंगे, देखना तुम। कोई गले लगाए ना लगाए, हम तो जरूर गले लगाएंगे हमारे जमाई बाबू को। वो नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। वो ननन जी क्या है ना, आपके भैया थोड़े गर्म दिमाग के हैं, आप बुरा मत मानिए। फिलहाल आप दोनों खाना खा लीजिए। अगर भैया गर्म दिमाग के हैं तो मैं भी उन्हीं की बहन, मैं रोहित की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ मम्मी से बात करने।
दिव्या सुनो, दिव्या अरे अरे जाने दीजिए ना, गुस्सा है उन्हें अपना गुस्सा निकाल लेने दीजिए। इसी बहाने हमें भी थोड़ा मौका मिल जाएगा आपसे बात करने की। वैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि पहला निवाला जमाई को घर की बहू खिलाती है। ज्यादा दर्द हुआ क्या निशा? मैं भी चलती हूँ, थोड़ा काम है, आपसे बाद में मिलती हूँ। हमारे हनीमून के टिकट्स, कल हम गोवा जा रहे हैं। हमारा हनीमून? जी हाँ। वाव। Are you happy? Very much. मुझे पता है दिव्या, तुम्हें अपना हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाना था ना, बट मैं क्या करूँ यार, मेरे पास इतने ही पैसे थे। रोहित, तुम मुझे प्यार से जहाँ भी ले जाओगे ना, वो जगह मेरे लिए स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत। I love you so 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 much. यही प्यार तो हमें भी चाहिए जमाई बाबू, और ये प्यार हम लेकर रहेंगे। ये सब झूठ है चाचा जी, दिव्या ने किसी से शादी नहीं की है, सब अफवाह है चाचा जी, कोई हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अविनाश ठाकुर की बहन है दिव्या, और उसकी शादी बहुत बड़े खानदान में तय हो चुकी है, और बहुत ही जल्द उसकी शादी पूरा शहर देखेगा, और आप सब भी आएंगे। बेटा, ऐसे रिश्तेदारों से कब तक झूठ बोलते रहोगे? आखिर सच एक ना एक दिन तो सबके सामने आ ही जाएगा। जब तक रोहित और दिव्या इस घर में हैं, तब तक इस बारे में किसी को कभी पता नहीं चलेगा। और हाँ, रही बात उस रोहित की, जब तक इस परिवार पे लगे हुए कलंक को मिटा नहीं देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आप बेचैन ही रहिए भैया, क्योंकि चैन से जीना तो आपको वैसे भी नहीं आता, और दाग खानदान में नहीं, आपके दिमाग में। मम्मी, मैं और रोहित हनीमून के लिए कल गोवा जा रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकती हो? हमारा मतलब है बेटा, अभी घर का माहौल ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चली जाना। मम्मी जी ठीक बोल रही है दिव्या, कुछ दिन बाद चले जाना, मैं और तुम्हारे भैया भी चल चलेंगे। सॉरी, इस घर के माहौल के लिए मैं अपना हनीमून नहीं टाल सकती। मैंने और रोहित ने डिसाइड कर लिया और हम कल गोवा जा रहे हैं। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। दिव्या, दिव्या जल्दी करो, 11 बजे की फ्लाइट है और 9:30 यही बज गए यार। हाँ हाँ, बस हो गया, चलो चलो जल्दी चलते हैं। अब आएगा मजा। क्या हुआ दिव्या? पता नहीं, अजीब सी बात है,
दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। लगता है दरवाजा तो बाहर से बंद है दिव्या। क्या मम्मी भाभी? रोहित दिव्या ये धुआं कैसा? दिव्या मैं खिड़की खोलता हूँ। दिव्या तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, रोहित एक बज गया, हमारी फ्लाइट छूट गई। ओह शिट, हमारा हनीमून कैंसिल। दिव्या ये कोई मामूली धुआं नहीं था दिव्या, ये कोई जरूर जहरीली गैस थी जिसकी वजह से हम दोनों बेहोश हो गए थे। मैं जानती हूँ कि ये घिनौनी हरकत कौन कर सकता है। मम्मी, तुम दो गए नहीं हनीमून के लिए अभी तक? मम्मी हम हनीमून के लिए निकल ही रहे थे पर किसी ने हमारे रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और कोई नशीली गैस रूम में छोड़ दी जिससे हम दोनों बेहोश हो गए। और जब हमें होश आया तो बहुत देर हो गई थी, हमने कितनी आवाज लगाई पर आप लोग कोई आए ही नहीं। हमें कैसे पता होता, हम तो मार्केट गए थे। भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? ट्राइक्लोरोमीथेन। ये वही गैस है जिससे तुम दोनों चैन की नींद सो गए थे। जानती थी कि ऐसी घटिया हरकत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। करना ही पड़ा, अब क्या करता। मेरी प्यारी बहन ने मुझे चैलेंज जो किया था कि उसको हनीमून पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, और देखो कितनी आसानी से मैंने तुम्हारा प्लान टाए टाए फुस कर दिया। अभी तो सिर्फ हनीमून प्लान बर्बाद किया है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। भैया, बेटा देख, अविनाश ने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन अभी तुम दोनों को शांत रहना है। देखो हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम दोनों को बहुत जल्दी हनीमून पे भेजेंगे, बस कुछ दिन और रुक जाओ। बेटा तुम उसको समझाओ, उसमें बचपना है थोड़ा, कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। दिव्या तुम्हारे बारे में सोच रहा था मैं, शादी के बाद से तुमने वर्कआउट करना बिल्कुल बंद कर दिया ना। लेकिन कल से रेगुलर वर्कआउट करोगी तुम मेरे साथ, ठीक है? अरे भाभी अब मुझे लगा दिव्या दूसरी बार भी धोखा खा गए ना जमाई बाबू। लीजिए पकड़ी, वैसे बड़े फिट हैं आप, हमें भी जरा फिट बना दीजिए। खा खा कर देखिए ना कितनी मोटी हो गई हूँ, देखिए ना। इधर उधर क्या देख रहे, देखिए कितनी मोटी हो रही हूँ, हमें भी एक्सरसाइज करवा दीजिए ना। चलिए थोड़ा काम है, हाँ हम बाद में साथ साथ पसीना बहाएंगे। ये
बेचैन ही रही है भैया, क्योंकि चैन से जीना तो आपको वैसे भी नहीं आता, और दाग खानदान में नहीं, आपके दिमाग में। अविनाश, इस तरह गुस्सा निकालने से क्या होगा? ऐसे मामले बड़ी समझदारी और आराम से हैंडल किए जाते हैं। वो लड़का जब से यहाँ पर आया है, मेरा सुख चैन सब खत्म हो गया है। अब कुछ भी करके रोहित को दिव्या की जिंदगी से दूर करना होगा, और वो भी बहुत जल्द। अविनाश, आई नो कि तुम गुस्से में हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिव्या तुम्हारी इकलौती बहन है, प्लीज। तनुज ठीक कह रहा है अविनाश, अक्सर इंसान गुस्से में अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करनी। जो मैंने सोचा है वो मैं किसी भी हाल में करके ही रहूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अविनाश, अविनाश, तुम्हें पहले भी बोला था, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, ऐसे बार बार कॉल मत करो मुझे। जैसे ही पैसा मिलेगा मैं आगे से कॉल करता हूँ तुम्हें, ठीक है? घर पे कोई नहीं है, दिव्या भी मम्मी जी के साथ बाहर गई है, इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो अंदर साबुन खत्म हो गया तो मैं जल्दी जल्दी उन्हें साबुन देने चली गई, है ना जमाई बाबू? रोहित मुझे पहले ही बता चुका है कि अकेले में आप उसके साथ क्या क्या हरकतें करते हैं। अगर आप इस घर की बहू नहीं होती ना, तो आपकी इन घिनौनी हरकतों का सबक आपको जरूर मिलता। निकल जाइए यहां से। लड़के की फोटो भेज दी है, और याद रहे काम बहुत सावधानी से करना, और हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये कौन से काम की बात कर रहे थे तुम, और कौन से लड़के की फोटो भेजी है तुमने? कहीं तुम रोहित के साथ तो कुछ? मैं किससे बात कर रहा था, मैंने किसकी फोटो भेजी, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, रही बात उस रोहित की, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे बीच में अब कोई नहीं आएगा। दम घुटने लगा है मेरा अपने घर में, कोई यहाँ हमें चैन से रहने ही नहीं देता। मुझे यहाँ नहीं रहना है रोहित, मुझे प्लीज किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम चैन और सुकून से जी सके, प्लीज रोहित। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ दिव्या, पर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, हमें बस सर छुपाने के लिए जगह ही तो चाहिए, पर मैं इस नर्क में और नहीं रह सकती, प्लीज रोहित, हम कल ये घर छोड़ के चले जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक
ठीक है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, मैं मम्मी को बोलकर आती हूँ कि हम कल यहाँ से चले चलेंगे। आंटी, मॉम डैड अगले हफ्ते यूएस से वापस आ रहे हैं और उन्हें अभी तक पता नहीं है कि दिव्या ने किसी और से शादी कर ली। तुम चिंता मत करो बेटा, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हम बात करेंगे उनसे। आंटी, मम्मी हम कल ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ मम्मी, मैंने और रोहित ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। मैं अब और इस घर में अपने पति की बेइज्जती होते नहीं देख सकती, और वैसे भी हमारे घर छोड़ के जाने से शायद यहाँ किसी के कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। बेटा मैं समझाऊंगी। दिव्या सुनो तो, सारी तैयारियां हो गई है। ठीक है, रात को जमाई बाबू कहाँ गए? वो भी अकेले अकेले। रोहित बैग लेके निकल चुका है, आगे क्या करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। मम्मी हम कल ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ भी करके हमें दिव्या को रोकना होगा, अपनी बेटी को दर दर की ठोकरी खाते हम नहीं देख सकते। मम्मी आपने रोहित को कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं देखा। कहाँ चला गया ये? सब कुछ ठीक तो है? क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही है? रोहित सुबह से घर पे नहीं है, उसका फोन भी ऑफ है और उसने ऐसे कभी पहले नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। पर तू चला नहीं गया है, भाग गया है तुम्हें और इस घर को छोड़कर और हमारे 50 लाख लेकर भी। किस मिट्टी के बने हैं आप? मैं रोहित को लेकर यहाँ इतनी परेशान हूँ और आप उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे। शर्म आती है मुझे कि आप मेरे बड़े भाई। तुम्हारी आंखों पे रोहित के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, इसलिए तुमको मुझ पे विश्वास होता ही नहीं है। अविनाश सच बोल रहा है दिव्या, मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से जमाई बाबू को एक बैग लेके बाहर जाते हुए देखा था। और सुबह जब उठी तो देखा सेफ टूटा हुआ था और अंदर रखे हुए 50 लाख भी गायब थे। नहीं, रोहित ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, आप सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। मुझे लगता है कि मेरा रोहित किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। दिव्या क्या कर रही हो? आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई, जरा सोचो अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। माँ एकदम सही बोल रही है दिव्या, पुलिस यहाँ पर आते ही ये बात आग की तरह शहर में फैल जाएगी। तुमको यकीन करना होगा कि रोहित हमारे 50 लाख लेके भाग चुका है
मतलब साफ है कि उसने तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी। उसको पैसे मिलते ही वो तुमको छोड़ के चला गया। चलो पैसे तो फिर भी कमाए जा सकते हैं दिव्या, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो और इस हाल में मैं तुमको नहीं देख सकता। देखो तुम भूल जाओ उस कमीने को और आगे अपनी जिंदगी स्टार्ट करो। हाँ बेटा, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर तनुज वो भी तो सब कुछ भूल भाल के तुमसे शादी करने को तैयार है। मैंने आप सबसे आपकी राय नहीं मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिलहाल मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरे रोहित को ढूंढना और मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। दिव्या, दिव्या, हेलो इंस्पेक्टर, रोको उसे। देखो दिव्या, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। ना ही रोहित मिलने वाला है और ना ही पुलिस उसको ढूंढ पाएगी। वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए अविनाश जी। इंस्पेक्टर, रोहित के बारे में कुछ पता चला? देखिए, उनका कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन हमें एक बॉडी मिली है। ये सच है कि रोहित मुझे पसंद नहीं था। मेरी बहन को बहला फुसला के उसने शादी कर ली और सच पूछिए तो उसके इरादे मुझे पहले से ही पसंद नहीं थे और मौका देखते ही उसने 50 लाख मेरी सेफ से निकाले और भाग गया। अगर ऐसी बात थी तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं अपने परिवार की इज्जत पूरे शहर में नहीं उछाल सकता था। और रही बात रोहित की, तो हो सकता है कि पैसे की वजह से उसके दोस्तों के आपस में झगड़ा हुआ हो और उसके दोस्तों ने उसको मार दिया हो। सच क्या है ये तो हम पता लगा कर ही रहेंगे। आपने इससे पहले कभी इतनी बड़ी रकम बैंक से निकालकर सेफ नहीं रखी अविनाश जी? फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रोहित के मर्डर से ठीक 2 दिन पहले ही आपको बैंक से 50 लाख रुपए निकालने पड़े? अच्छा, यही होगा कि सारा सच आप यहीं पर बता दो। ये सच है कि बैंक से 50 लाख मैंने ही निकाले थे, क्योंकि मैं रोहित को फंसाना चाहता था। ऐसा क्यों? एक रात मैं रोहित को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि वो अपना जिम बेचकर घर खरीदना चाहता है। गुप्ता जी, 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ और पैसों के लिए मैं अपना जिम भी बेच रहा हूँ। फिर वहाँ से मिल जाएंगे और 20 लाख रुपए का इंतजाम भी हो जाएगा। गुप्ता जी आप टेंशन मत लो, लेकिन मैं घर किसी भी हालत में रहना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपनी दिव्या के साथ में सर उठा कर जी सकूँ। फिर चाहे घर बड़ा हो या छोटा, लेकिन मैं घर लेना चाहता हूँ। गुप्ता जी मैं अपनी दिव्या के सारे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है गुप्ता जी। और मौके का फायदा देखकर मैंने उसकी मदद करने का नाटक किया। रोहित, मुझे सब पता चल गया है। तुम अपना जिम बेच रहे हो ताकि तुम दिव्या को घर दे सको। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा रोहित। तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो, बहुत खुश नसीब है मेरी बहन, और इसलिए अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और ना ही तुम्हें अपना जिम बेचने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे 50 लाख घर के अब मैं भरूँगा। अरे नहीं अविनाश भैया, मैं अपनी वजह से आपको परेशान नहीं कर सकता, मैं बैंक से लोन ले लूँगा। रोहित, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार आदमी हो, इसलिए जब तुम्हारे पास पैसा आए मुझे दे देना। और बैंक से लोन लेने से अच्छा ये है कि एक भाई को अपने बहन की मदद करने दो। और वैसे ही मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, शायद यही मेरा प्रायश्चित है। प्लीज़ रोहित। अरे नहीं अविनाश भैया। और हाँ, इस बारे में दिव्या को कुछ मत बताना, ठीक है भैया? क्योंकि अगर उसको पता चला तो मदद नहीं लेगी मुझसे।
ठीक है। प्लान के हिसाब से मैंने ही रोहित को 50 लाख निकाल के उसे जाने बोला था, लेकिन मेरा प्लान सिर्फ इतना था कि मैं रोहित को पैसे लेकर जाने को बोलूं, यहाँ मेरे आदमी रोहित को किडनैप कर लेते और मैं सारा का सारा इल्ज़ाम रोहित के ऊपर लगा देता, ताकि रोहित दिव्या की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। लेकिन जब तक मेरे आदमी उसको पकड़ते वो कहीं और जा चुका था। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, रोहित का खून मैंने नहीं किया। ठीक है, लेकर आओ उसे। रोहित का हत्यारा मिल गया है। तनुज, जिस रात रोहित की हत्या हुई तनुज के फोन की लोकेशन वही थी। अब सारा सच तू बताता है या मैं बताऊं? हाँ, ये सच है। जिस वक्त रोहित का मर्डर हुआ मैं वहीं पर था, पर मेरे साथ कोई और भी था जिसने रोहित की हत्या की। वह दिव्या की मम्मी। ऐसा क्यों किया आपने? हैं? क्या दुश्मनी थी आपकी अपने ही दामाद से? दुश्मनी नहीं, नफरत करते थे हम उससे, क्योंकि वो गरीब और अनाथ था। उसकी हैसियत नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की। वो तो हम हमारी बेटी की वजह से शांत थे। रोहित को रास्ते से हटाने के लिए हमने तनुज को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि तनुज दिव्या को बचपन से ही पसंद करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। रोहित, रोहित के साथ इस घर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो दिव्या को छोड़कर नहीं गया। फिर एक दिन जब दिव्या हमारे पास आई और कहने लगी कि वह रोहित के साथ ये घर छोड़कर जा रही है। हम कल ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तब हमने सोच लिया, दिव्या को इस घर में रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रोहित को रास्ते से हटाना। बस हमने वही किया। आप लोग यहाँ? मम्मी जी सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो तब होगा बेटा जब तुम हमारी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओगे। एक औरत होकर आपने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। अरे माँ के हाथ तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, और आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आप मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती आप मेरी माँ। चलो ले चलो इन दोनों को। चलो।